दुनिया में जो हमारा दुश्मन होता है ना, वो सबसे पहले हमारी कोई ऐसी रग को काटने की कोशिश करता है जिससे हमें ज्यादा तकलीफ होती है, या जो हमारे लिए बहुत ज्यादा एक महफूज सोर्स होता है, तो वो उसकी कोशिश होती है हमारे दुश्मन की कि हम किसी तरह इसके इस सोर्स को काटे ताकि ये बिल्कुल टूट जाए, कट जाए। इसी तरह जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, उसकी भी यही कोशिश होती है कि हमारा सबसे जो बड़ा सोर्स है अल्लाह सुबहानहू व तआला पर तवक्कुल, उसको मैं किसी तरह खत्म करूं। और हमारी नौजवान यूथ में जो सबसे ज्यादा बात पाई जाती है वो यही है कि हमारा तवक्कुल अल्लाह सुबहानहु व तआला पर उस तरह नहीं है जिस तरह हमारा तवक्कुल अल्लाह सुबहानहु व तआला पर होना चाहिए था। क्यों? हमारा तवक्कुल इस तरह का शैतान ने कर दिया है और इस तरह वो हमें गुमराह करता है और हमें कहता है कि तुम्हारा आगे कुछ नहीं है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, तुम क्या करोगे पढ़ लिख के, और तुम जॉब ना मिली तो फिर क्या होगा। इस तरह मामलात में हमें गिरा देता है और हम ये समझते हैं कि अल्लाह सुबहानहू व तआला वाकई ही इस दुनिया में है। हमारा तवक्कुल वो इतना कमजोर कर देता है और हमें कमजोर तरीन बना देता है।